गांधीनगर में आज 1:30 वागे मंत्रीओना शपथ समारोह योजाशे। राजभवन खाते मंत्रीओना शपथ समारोह योजाशे। नवा 26 जेटला धारासभ्य मंत्रीपदना शपथ लेशे, तो मंत्रिमंडल में निर्विवादित धारासभ्य ने स्थान अपाशे। जूथवाद के विवाद न सर्जे तेवा धारासभ्य ने मंत्रिमंडल में स्थान अपाशे। ओबीसी धारासभ्य ने मंत्रिमंडल में वधारे स्थान आपवामां आवशे, त्यारे आदिवासी बे थी वधु धारासभ्य ने मंत्रिमंडल में स्थान अपाशे। पाटीदारना 5 जेटला धारासभ्य ने मंत्रिमंडल में स्थान अपाय तेवी संभावना छे, तो बे थी वधु क्षत्रिय धारासभ्य ने मंत्रिमंडल में स्थान अपाय तेवी संभावना छे। उल्लेखनीय छे के गईकाले ज आ मंत्रिमंडल नो शपथ समारोह योजावानो हतो, परंतु छेल्ली घड़ीए डखो थयो। तो आज विषे वधु माहिती मेळवीए सीएम ऑफिस थी अमारा संवाददाता राजेंद्र जोड़ायेला छे। राजेंद्र, गईकाले तो जे फियास्को थयो हतो, हवे आजे 1:30 वागे शपथ समारोह योजावानो छे, कई रीतनी आखी फॉर्म्युला छे? कारण के गईकाले जे नो रिपीट थियरी जे चालती हती तेना कारणे घणा जे नेताओ छे नाराज थया हता, तो तेज थियरी आजे पण लागू पड़शे? चोक्कसथी एज थियरी आधारे आजे 26 करता वधु धारासभ्यो मंत्री पदना शपथ लेशे। 31 कलाके राजभवन खाते आ शपथ विधि कार्यक्रम योजावानो छे अने एमा 26 करता वधु धारासभ्यो शपथ पण लेशे। जे नाराजगी जे सीनियर मंत्रीओनी हती एमा मुख्य मुद्दो जे सामे आवी रह्यो छे कि सीनियर मंत्रीओ एवुं इच्छता हता कि एमना मानिता अने एमना नजीकना जे धारासभ्यो छे एमने मंत्रिमंडळमां स्थान आपवामां आवे, परंतु मंत्रिमंडळमां कोने स्थान आपवामां आवशे ए केन्द्रीय मौरी मंडळ द्वारा नक्की करवामां आवे छे, परंतु सीनियर मंत्रीओ मथामण करी रह्या हता। कारण के सीनियर मंत्रीओने ज्यारे ख्याल आव्यो कि एमना पत्ता कपाया छे, त्यारबाद तेमने पोताना जे नजीकना धारासभ्यो छे एमने मंत्रिमंडळमां समावा माटेनी मथामण करी हती, परंतु अंते ए तमाम जे नाराज मंत्रीओ छे एमने मनावामां आवी रह्या छे अने आजे 31 कलाके शपथविधि कार्यक्रम पण योजावानो छे। भूपेन्द्र पटेलनुं जे मंत्रिमंडळ हशे एमां जे विचारना आधारे जे मंत्रिमंडळनी जे संरचना अथवा तो मारखू जे तैयार करवामां आव्युं छे एमां भूपेन्द्र पटेल ने सहयोग आपे एवा धारासभ्यो ने समावेश करवामां आवशे। निर्विवादित चेहरो हशे, जूथवाद थी अवरो रहीने काम करतो हशे अने लोकोना सतत संपर्कमां हशे एवा धारासभ्यने मंत्रिमंडळमां समावेश करवामां आवशे। कारण के विजय रूपाणीनी सरकारमां जे मंत्रिमंडळमां जे जूथवाद हतुं अने एना कारणे भारतीय जनता पार्टी अने सरकारनी जे बदनामी थई, तो एवी हवे आगामी समयमां ए प्रकारनी स्थिति ना सर्जाय ए माटे एवा धारासभ्यो सिलेक्ट करवामां आवशे कि जे एक मत थई अने मुख्यमंत्रीना आदेशोनुं पालन करे अने मुख्यमंत्री जे निर्णय करे ए प्रमाणे काम करे। कारण के जेथी आगामी समय जे 2022 चूंटणी आवी रही छे अने एमां सरकार तरफथी एक सारू परफॉर्मन्स आपाय थाय अने एक जूथ थईने तमाम लोको काम करे ए माटे ज आ नो रिपीट थियरी अपनावामां आवी छे। एटले के तमाम जे मंत्रीओ छे मंत्रीओना एटला माटे ज पत्ता कपाया छे। स्वर्णिम संकुल 1 અને સ્વર્ણિમ સંકુલ 2 માં તમામ પ્રકારના મંત્રીઓની કાર્યાલયો આવેલી છે। સ્વર્ણિમ સંકુલ 2 માં રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ બેસે છે, ત્યાં પણ અત્યારે તેમના કાર્યાલયોને તમામ પ્રકારની સફાઈ સાથે તૈયાર કરી દેવામાં આવે છે। આસુપાલવના તોરણો પણ લગાવવામાં આવે છે, કારણ કે મંત્રી પદને શપથ પછી ધારાસભ્ય પોતાનો જે ચાર્જ છે એ પણ સંભાળશે। કેબિનેટ બેઠક યોજાશે અને ત્યારબાદ પોતાનો જે ચાર્જ છે સંભાળશે। જે માહિતી સામે આવી રહી છે કે શપથવિધિના 2 કલાક પહેલા જ તમામ ધારાસભ્યોને જાણ કરવામાં આવશે। આ ઉપરાંત જે મંત્રીમંડળ હશે એમાં 26 કરતા વધુ નવા ધારાસભ્યોને સ્થાન આપવામાં આવશે અને ખાસ કરીને જ્ઞાતિ આધારિત સમીકરણ અને ઝોન વાઇઝ જે ધારાસભ્યો છે એમને મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે। અત્યારે જે માહિતી સામે આવી રહી છે એમાં ઓબીસી સમાજમાંથી વધુમાં વધુ ધારાસભ્યોને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન આપવામાં આવે એ પ્રકારની માહિતી મળી રહી છે। ઓબીસી ધારાસભ્યોમાં 1 ધારાસભ્ય અથવા તો 1થી વધુ ધારાસભ્યને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી બનાવવામાં આવે એ પ્રકારની માહિતી સામે આવી રહી છે। જી 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 રાજેન્દ્ર, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો, તો એમ